हेलो चिन्नी बेटा, इतना सर्टिफिकेट कहाँ जा रही हो तू? हाय आंटी। कहीं नहीं आंटी, बस यही ऐसे रेडी हुई थी। मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसे तो कोई रेडी नहीं होता घर पे। और ये क्या, इतने सारे इयररिंग? वाओ, तो तुम इसे एक इयररिंग क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे इनको जस्ट रख रही थी। बोलिए, कोई काम था आपको? नहीं बेटा, ऐसे बगल से गुजर रही थी तो सोचा चिंकी से मिलती जाती हूँ। ओके आंटी जी, मम्मी तो है नहीं घर पर, कोई काम है तो आप बता दीजिए, मैं बता दूंगी। अरे मम्मी को छोड़ो, हर बात मम्मी से थोड़ी होती है। तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुम इतना झुमका झुमके कर क्या रही हो? अच्छा, अपने जो वीडियो बनाती हो ना, किस पे बनाती हो तुम अपनी? सही पहचाना आंटी। हाँ जी, मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे। अच्छा हाँ, यूट्यूब पे। ट्यूब नहीं आंटी जी, यूट्यूब। हाँ यूट्यूब। यूट्यूब नहीं आंटी जी, यूट्यूब। यूट्यूब। अरे छोड़ो, यूट्यूब हो या कुछ भी हो, सबक तो तुमको आ गया ना। अच्छा वीडियो मुझे नहीं मिलाओगी सबसे? सो गाइस, ये मेरी आंटी जी हैं, इनका नाम है शीला। आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल गाइज वेरी वेल। टुडे आई वॉन्ट टू शो माई इयररिंग कलेक्शन। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो नाउ। पहला फर्स्ट इयररिंग आपको दिखाती हूँ। सो दिस वन जयपुरी इयररिंग, देखिए इसमें थ्रेड का वर्क है एंड ये ऊपर से पूरा स्टील है। एंड आपको ये देखने में बहुत हैवी लग रहे होंगे, बट बहुत ही इसका लाइटली वेट है। ये देखिए, मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ, बिकॉज मैं आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी। अगर मैं पहन के आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करनी है। नेक्स्ट इज, तो ये हिलते बहुत हैं, ये देखिए ये गोल्डन कलर के। एंड ये मेरा इसका एक मोती मिसिंग हो गया है, बट जब ये पहनती हूँ तो इतना पता नहीं लगता है। सो ये है गोल्डन एंड से मोती लगे हुए हैं वाइट कलर के। वाइट टॉप में भी अच्छे लग रहे हैं वैसे ना। एंड नेक्स्ट इज, ये देखिए ये हैं स्टोन के, देखिए। सो इसको हैंड टू हैंड डाल भी देती हूँ, बिकॉज अगर नहीं डाले तो इसका ब्लॉक है वो गुम हो जाएगा, और बहुत गुम होते हैं मेरे से। क्या हुआ, ये ब्राउन कलर का है, सो ये गोल्डन में है। सो ये एक्चुअली लहंगा के संग पहने जाते हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट इज स्काई ब्लू एंड सिल्वर कलर की झुमकी है ये। एक्चुअली जो मैंने आपको अपने फ्रॉक सब दिखाया था स्काई ब्लू का अपने क्लॉथ कलेक्शन में, तो ये मैंने उससे मैचिंग के लिए थे, बट ये बिल्कुल मैचिंग नहीं हुई उससे। एंड नेक्स्ट इज लेट मी शो येलो, इसमें भी थ्रेड का वर्क है और ये बहुत स्मूथ है, इतना सॉफ्ट थ्रेड है इसका, बहुत प्यारा। एंड ये एक्चुअली मेरे को गिफ्ट दिए थे, ये मुझे मेरे मामा जी की बेटी है मम्मी खुशी, वो मेरा ब्लॉग देखती है। थैंक यू सो मच खुशी, थैंक्स फॉर लवली इयररिंग, माय मोस्ट फेवरेट इयररिंग। ये देखिए, सो ये एडी के हैं और ये बिल्कुल डायमंड डायमंड के हैं बिल्कुल एकदम। सो नेक्स्ट इज गोल्डन सेट, ये है इसमें वाइट कलर का स्टोन है एंड ऑरेंज का लाइट ऑरेंज कलर के पीस से कलर के बोल सकते हैं आप उसको, मोती हैं। सो ये बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज़, इसके संग मुझे मांग टीका भी मिला था, सो ये मैंने इसलिए खरीदे थे, वो मुझे मैरिज के लिए चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उस मैरिज में जा नहीं पाई, मेरी कज़न की मैरिज थी, बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, तो इसलिए। सो ये मैंने तब मैंने लिए थी, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल स्मॉल झुमकी, वाइट इसके स्टोन भी है, वाइट मोती भी है। एंड ये पूरा वर्क जो झुमकी पे किया हुआ है राउंड में, ये बिल्कुल थ्रेड का है। खास बात ये है कि ये साउथ इंडिया के हैं, बिकॉज अब आप पूछेंगे मैं साउथ इंडिया कब पहुँची। साउथ इंडिया एक्चुअली मैं नहीं गई थी, मेरे स्टूडेंट जो थे का बिजनेस है इयररिंग्स का, सो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। थैंक यू सो मच फॉर आर लवली इयररिंग। ये सेम एक और हैं, वो भी उन्होंने ही दिए थे मुझको, ये तो बहुत ही प्यारे हैं ग्रीन कलर के। ये देखिए, इसमें भी पूरा थ्रेड का वर्क है एंड ये इसमें जो कि ग्रीन कलर के मोती से लगे हुए हैं, सो तमिलनाडु के हैं ये, पहनो बड़े प्यारे लगते हैं। ये भी मुझे गिफ्ट किए हैं उन्होंने ही किए हैं, ये भी मुझे गिफ्ट मेरे बर्थडे में मुझको पूरा पेयर किया था, तो ये सब उसी में आएंगे। ये भी थ्रेड का वर्क है, ये रखे रखे ऐसे थ्रेड टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। टॉप वगैरह पाते हैं, जीन्स वगैरह पाते हैं, तो उसमें भी हम कैरी कर सकते हैं इसको, सिंपल से है ना, क्योंकि ब्लैक इसका भी थ्रेड उल्टा सीधा हो गया है। नेक्स्ट इज झुमकी है, ये मल्टी कलर के नीचे मोती हैं एंड ये मेला लगा था, तो ये मैंने मेले से खरीदे थे, ओनली जस्ट 60 रुपीज़ के। नेक्स्ट इज बैंगल इयररिंग, सो ये आपने देखा ही होगा कि पहले की फिल्मों में ये जो हीरोइंस थी बहुत कैरी करती थी, इससे भी बड़े बड़े होते थे वाले, सो ये तो फिर भी छोटे हैं। सो ये है सिल्वर कलर का एंड इसका नेक्स्ट पेयर एक और है, ये है ये थोड़ा स्टील कलर में, वाइट कलर में, ये देखिए ये भी है,
पहनो इसको, ये गोल्डन है। सो ये भी गोल्डन है, मिरर वर्क है पूरा। एंड ये नीचे इसके छोटे छोटे झुमकीज हैं लेयर में, जैसे हमारे ब्राइडल के कलेरे नहीं होते हैं उस टाइप, उसको उस टाइप में है। ये देखिए, ये आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत हैवी है, बट ये बिल्कुल हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है इनका। हाँ, इसको आप कह सकते हो ये थोड़े हैवी है, इतने हैवी नहीं है, बट ये कि आप कैरी कर सकते हो आराम से। सो ये है मेरे, ये भी मैंने एक्चुअली अपने कज़न की मैरिज के लिए दो पेयर लिए थे, कि ऑरेंज वाला और एक ये लिया था सिल्वर कलर का अपने लहंगे के लिए। भी एक भी नहीं पहन पाई, क्योंकि भी उसमें गई नहीं और मैंने पहने नहीं। हाँ, अदरवाइज मैंने रील से बनाने पर तो पहने हैं ये। आई थिंक ये सबसे बड़े हैं मेरे को लगा, जितने भी मैंने एयरिंग दिखाए हैं उस, वो भी बड़ा था। चकोर में है ये तो सबसे हल्की है, मन से भी मिलती है बहुत इससे। तो आप लोग सोच रहे हो कि चिंकी के पास ज़्यादातर पार्टी वेयर एयरिंग है। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बिकॉज इनका रीज़न ये है कि मैं वैसे बिल्कुल भी एयरिंग पहनती नहीं हूँ, बिकॉज मुझको एयरिंग इतना पसंद नहीं है पहनना, बिकॉज मैं भी गोल्ड के जस्ट पहनती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है पहनने का। बस ये इसलिए कि कहीं पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है या तो किसी की मैरिज वगैरह होती है, तो ये जब वो पड़ती है तभी मैं खरीदती हूँ, अदरवाइज एयरिंग जल्दी बिल्कुल लेती नहीं हूँ। प्रॉब्लम मुझे कभी देखा भी नहीं हुआ कि मैं एयरिंग वगैरह पहनती हूँ ना। कितनी प्यारी झुमकी है, छोटी सी। ये एडी की एयरिंग है, टॉप्स टाइप के बोल सकते हैं इसको आप, टॉप्स हैं। माय ब्लैक फेवरेट एयरिंग। सो जींस में मैं कैरी कर लेती हूँ कभी कभी। ये देखिए ये कितने प्रिटी हैं। सो ये देखिए, ये रोज़ वाले हैं, ये नीचे पहनने के लिए है, और ये जिसका कान ऊपर, जैसे मेरे कान में छिदा हुआ है, सो इसमें मैं ये छोटे पहन सकती हूँ। और ये देखिए टमाटर की तरह कितने टेलर है, टॉफी की तरह ब्लैक एयरिंग। कितनी प्यारी झुमकी है, कितने प्यारे हैं। जो होता नहीं पत्थर टाइप का होता है जैसे, उस टाइप का ये बजने में कितना साउंड कर रहा है। ये देखिए, ये भी मोती के हैं, वाइट मोती के। देखिए ये भी स्मॉल ही है, ये भी कैरी कर सकते हैं जीन्स वगैरह में या सूट वगैरह में। सो आप लोग को मेरा एयरिंग कलेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोस्टली पुराने एयरिंग थे ये, थोड़े कुछ कुछ इसमें नए थे। एंड आई होप लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो एंड दिस वीडियो शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। सो मिलते हैं आपको जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।